नमस्कार, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ होली के शुभ महोत्सव में हम फोटोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। इंडिया में बहुत बहुत सारे अनगिनत त्यौहार होते हैं और हर त्यौहार में आप लोग एक फोटोग्राफी जो एक मेमोरी के लिए लेते हैं वो बहुत सारे फोटोज खींचे जाते हैं त्यौहारों में, राइट। पर होली के टाइम एक सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम अपने कैमरा या फ़ोन बाहर ले जाके शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, बिकॉज यू नो देयर आर कलर्स, ऑयल कलर्स, वाटर एंड लॉट ऑफ यू नो फियर दैट द कैमरा विल गेट स्पॉइल्ड। सो मैं पहला टिप ये देना चाहूँगा, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैमरा। आईफोन्स लाइक 10R और 10S दैट इज स्प्लैश प्रूफ। एंड मैं लास्ट टाइम भी होली पे कैमरा ले गया था और इस बार भी ज़रूर ले जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा कैमरा हो उसको बेसिक ले जाइए। फिर अगर उसके ऊपर से भी आपको डर लग रहा है नहीं कलर ख़राब हो जाएगा या नहीं चलेगा, सो देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन लैमिनेट योर कैमरा। द लैमिनेशन यू नो जो एक सिंपल एक लैमिनेशन होता है जो या एक प्लास्टिक की पन्नी से वो लोग यू नो सील कर देते कैमरा, उससे आपकी कैमरा प्रोटेक्टेड रहेगी और आप अपनी फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट टिप ये होगा कि एक फेमस फोटोग्राफर ने ये कहा था कि इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ यू आर नॉट क्लोज इनफ, कि अगर आपकी तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं लग रही आपको ना, आप नज़दीक या पास नहीं गए हो। और ये एक कोट मेरे साथ हमेशा रहा है मेरी पूरी फोटोग्राफी कैरियर में, मैं हमेशा ये फॉलो करने को ट्राई करता हूँ कितना पास मैं जा पाऊँ सब्जेक्ट और एक मोमेंट के। पर होली के टाइम जब यू नो लोग पानी फेंकेंगे या जब कलर फेंकेंगे और जब कलर यू नो टकराता है लोगों के ऊपर और पानी की ड्रॉपलेट्स जाते हैं, तो इफ़ यू आर क्लोज इट गिव्स वेरी वेरी ड्रामेटिक पिक्चर्स। सो ऑफकोर्स प्रोटेक्ट योर कैमरा, प्रोटेक्ट योर फोन एंड देन गो क्लोज एंड दैट विल गिव यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इमेजेस। एक बहुत दिलचस्प फोटोग्राफी जो आप होली के टाइम ईजिली कर सकते हो वो है लोगों के शक्ल में रंग बिरंगा शक्ल शूट करना, लेकिन वो एक रंग जो लगे होते हैं और उसको आप शूट कर सकते हो एक पोर्ट्रेट मोड पे, जो हर लगभग कैमरा में अवेलेबल है। 10R और 10S में एक पोर्ट्रेट मोड है जहाँ पे डिफरेंट लाइटिंग सीनेरियोज भी दिए गए हैं, जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेचर शूट करने को मिलता है होली के टाइम। सो मैं एक्चुअली अगर मैं होली पे निकला तो मैं लोगों के पास जाऊँगा, ये पोर्ट्रेट मोड ऑन करूँगा और बैकग्राउंड को आउट ऑफ फोकस करते हुए रंग बिरंगे चेहरों की एक सीरीज़ बनाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है होली के टाइम। मेरा अगला टिप होली के लिए ये होगा, जब आप फ़ोटो खींच रहे हो, मैंने पहले बोला था कि आपको बहुत पास जाना सब्जेक्ट के और पानी के यू नो बूंदे स्प्लैश को कैप्चर करना है, पर आपको एक और चीज़ कर सकते हो जब आप बहुत पास होकर पानी की चीज़ें पानी की बूंदें छिड़क रही हैं या कलर छिड़क रहा है, वो है स्लो मोशन। जो स्लो मोशन में जो एक्शन होता है होली के टाइम वो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर हो जाता है, जब ड्रॉपलेट्स यू नो उड़ उड़ के आ रहे हैं फ़ोन की तरफ या यू नो स्प्लैश हो रहा है पानी। सो होली के टाइम आप ज़रूर स्लो मोशन ट्राई करना और स्लो मोशन विल गिव यू ऐसा रिजल्ट दैट यू विल लव योर फिल्म। अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो फ़ोन के अंदर इंटेग्रल होते हैं, जैसे कि एक है ऑप्टिकल जूम। लाइक एक फेमस कोट है कि आपको कभी डिजिटल जूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर अच्छी फ़ोटो चाहिए तो आपको जूम अपने पैरों से करना चाहिए, इट्स कॉल्ड जूम विथ योर लेग्स। जो मैं आपने बोला कि आप पास जगह फोटोग्राफी कर कीजिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जरा दो वे, एक है आप खुद पास चले जाइए, दैट इज़ द बेस्ट वे, नहीं तो आपके कैमरे में आजकल एक ऑप्टिकल जूम दिया जाता है 1x या 2x। आप देखे होंगे जैसे कि 10R है, इसमें दो कैमरा दिए, तो इसमें से क्या इस कारण क्या हो जाता है कि आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां आप 2x में शूट कर पाते हो और आप और पास जा सकते हो। दूसरा एक और मोड है, वो है बूमरैंग। जैसे इंस्टाग्राम ऐप में बूमरैंग मोड हो और आप होली में इमेजिन एक गुब्बारा आके किसी पे फट रहा है और फिर गुब्बारा वापस जा रहा है, वापस ज्वाइन हो गए, ये जो आप बूमरैंग में से जो दिलचस्प चीज़ें कर सकते हो होली के टाइम वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। एक फोटोग्राफर का जो एक यू नो एक सिग्नेचर होता है वो उनके एडिट पे होता है। एक बात होती है कि फ़ोटो खींचना, हम सब एक कैमरा के एक ही सेंसर में फ़ोटो खींचते हैं। अर्लियर नेगेटिव्स होते थे, अलग अलग टाइप्स ऑफ नेगेटिव्स होते थे,
आजकल एक ही टाइप का सेंसर है, तो कैमरा से जो फोटोग्राफ बाहर आता है वो एक रियलिटी को 19-20 तक ठीक रहता है। उसमें थोड़ी सी एडिटिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि थोड़े शेडोज़ कम करो, थोड़ा हाइलाइट्स कम करो या ज़्यादा करो, या ब्राइटनेस बढ़ाओ या थोड़ा घटाओ। तो ये सारे चीज़ दो प्रकार के यू नो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं, एक है फ़ोन पे और दूसरा है ऑफ यू नो कंप्यूटर पे ऑफलाइन। सो मैं पहले बात करूँगा फ़ोन की एडिटिंग। तो अब जब आप फ़ोटो खींचते हो, आपके फ़ोन में एक तस्वीर आती है और फ़ोन के अंदर ही एक एडिट बटन होता है। अब एडिट बटन में चले जाओ, जैसे कि अगर आपने तस्वीर पोर्ट्रेट मोड में खींची हो आईफोन XR या XS में, तो आप देखोगे कि एक एडिट मोड होता है जहां पर आप जाते ही आपको पूछेगा अपर्चर FA ज़्यादा करें कि अपर्चर घटाएं। अगर अपर्चर आप घटाओगे तो बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस जाएगा। अगर आप ग्रुप फोटो ले रहे हो तो अगर अपर्चर बढ़ाओगे तो यू नो सब लोग फोकस में आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो यू नो एडिटिंग यू नो टिप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, टिप्स एंड छोटे छोटे एडिटिंग यू नो, जिससे आपकी फ़ोटो बहुत एनहांस हो जाएगी। जो आप एडिटिंग अभी फ़ोन पे आपने किया है, उसी एडिटिंग को अगर आप एक एक अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके और कोई यू नो सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जैसे कि लाइट रूम हो या फोटोशॉप हो, और आप अपनी फ़ोटो को वहाँ पे एडिट करना शुरू करोगे, आपको बहुत अंतर दिखेगा। तो ये थे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स इस होली के लिए। अगर आपके पास भी कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो यू नो दर्शक हैं और का यू नो कमेंट्स में पढ़कर वो अपनी होली और भी बेहतरीन बना सके। सो थैंक यू, एंड मुझे आप सब से फिर यू नो इस टिप्स शेयर करने में बहुत मज़ा आया। और अभी आप अपनी होली सेफ और अच्छी तरीके से बिताइए।